मेरे दिल के करीबी जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं वो सभी सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स जो रफी साहब ने अजीत जी के लिए गाए हैं। सबसे पहले 1949 में आई फिल्म जीवन साथी, इसमें तीन गाने गाए। पहले दो गाने जो शमशाद बेगम जी के साथ है, ये ऐसे आग है जो धीमे धीमे मन में रहती है, मोहब्बत रोज पलकर दिल की हर धड़कन में रहती है। दूसरा गाना मिलकर जाए हम, मिलकर जाए। तीसरा गाना जो चंद बुड़के जी के साथ है, चंदा की गोद में तारों की छाँव में रूठे कोई हम मनाए रे। फिर 1949 माय फिल्म जन्नत, इसमें दो गाने गाए। पहला गाना, जब याद किया हम आग ही गए, हम आग ही गए। दूसरा गाना किस्मत तेरी महफिल से, किस्मत तेरी महफिल से जो पैगाम आया। फिर 1951 में आई फिल्म ढोलक, इसमें छह गाने गाए। पहला गाना, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दूसरा गाना मगर ए हसीना, अगर हसीना ए बेखबर जरा देख चुप के से एक नजर। अगले दो गाने जो लता जी के साथ है, एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनों की मार, एक पल रुक जाना। चौथा गाना ऐसे रसिया का, ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एक बार। और ये है रफी साहब के बोल, ऐसी गोरी का ऐसी छोरी का क्या एक बार कैसा। पांचवा गाना जो शमशाद बेगम जी के साथ है, अल्लाह गुल्ला लैला अल्लाह गुल्ला। और ये है रफी साहब के बोल, ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में, कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में। और सबसे अंत में जो उमा जी के साथ है, शाम की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी। और ये है रफी साहब के बोल, खिले थे उस नगरी में कली कली लहराती थी। फिर 1951 में आई फिल्म सरकार, इसमें दो गाने गाए। पहला गाना, दम कदम पे लिख रही है जिंदगी कहानियाँ, ये जिंदगी कहानियाँ। दूसरा गाना जो शमशाद बेगम जी के साथ है, मैं माली का ठोकरा होए, मैं माली का ठोकरा, मेरा बाग है जमुना पार पार। फिर 1951 में आई फिल्म दामन, इसमें एक गाना गाए लता जी के साथ, और ये है रफी साहब के बोल, अपने दुनिया में बदली छाने लगी छाने लगे। फिर 1952 में आई फिल्म तरंग, इसमें दो गाने गाए। पहला गाना जो गीता जी के साथ है, बड़ी मुश्किल से ऐसी शाम आई है, न चुप रहो मेरे कानों में कुछ कहो। दूसरा गाना जो शमशाद बेगम जी के साथ है, किनारे मोरा डेरा मचाल जले सारी रतियां। और ये है रफी साहब के बोल, सारी रतियां हो सारी रतियां सारी रतियां। फिर 1952 में आई फिल्म मोती महल, इसमें एक गाना गाए, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। फिर 1954 में आई फिल्म सम्राट, इसमें एक गाना गाए, जान देना आशिकों का काम है, इश्क बेचारा यूं ही बदनाम है। फिर 1955 में आई फिल्म बरादरी, इसमें दो गाने गाए लता जी के साथ, भूला नहीं देना जी भूला नहीं देना,
जमाना खराब है, मजा नहीं देना। दूसरा गाना मोहब्बत की बस। मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है, बहारे चार दिन की फिर फिजा। फिर 1955 माय फिल्म नकाब, इसमें एक गाना गाएं लता जी के साथ। और ये है रफी साहब के बोल। फिर 1955 में आई फिल्म मरीन ड्राइव, इसमें दो गाने गाएं। पहला गाना, अब वो करम करे कैसे तुम, मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम, मैं नशे में। दूसरा गाना जो आशा जी के साथ है। मोहब्बत यूं भी होती है, तबीयत यूं भी आती है, मुसीबत यूं भी होती है। फिर 1956 में आई फिल्म हलाकू, इसमें एक गाना गाएं लता जी के साथ। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। फिर 1956 में आई फिल्म आन बान, इसमें एक गाना गाएं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। फिर 1957 में आई फिल्म कितना बदल गया इंसान, इसमें एक गाना गाएं आशा जी और शमशाद बेगम जी के साथ। फिर 1957 में आई फिल्म मिस बॉम्बे, इसमें छह गाने गाएं। ले चला जिधर ये दिल निकल पड़े, हम चले जिधर जमाना चल पड़े। दूसरा गाना जिंदगी भर गम। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। अगले दो गाने जो सुमन जी के साथ है। दुनिया ये कहती है मेरे किस्मत में भी वो जो पीछे बैठी है। चौथा गाना दिन हो या रात। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। अगले दो गाने जो शमशाद बेगम जी के साथ है। ऊंची टेढ़ी है मांग तेरी टेढ़ी, दुपट्टा रंगदार करके। और सबसे अंत में इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके, इसकी टोपी उसके सर। फिर 1957 में आई फिल्म नया दौर, इसमें दो गाने गाए। लेके दगा देंगे। और ये है रफी साहब के बोल। दुनिया को दिखा देंगे। दूसरा गाना जो एस बलबीर जी के साथ है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। फिर 1958 में आई फिल्म मेहंदी, इसमें एक गाना गाएं। जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं, जो दुकान अपनी ही सजाए हुए हैं। फिर 1958 माय फिल्म मिलन, इसमें दो गाने गाएं। पहला गाना जो गीता जी के साथ है। मैंने कहा जी जो मौसम है सुहाना, अच्छा नहीं किसी के रूप जाना। दूसरा गाना जो शमशाद बेगम जी के साथ है। और ये है रफी साहब के बोल। फिर 1959 में आई फिल्म दो गुंडे, इसमें दो गाने गाएं। पहला गाना जो लता जी के साथ है। एक ही पल के उठा मेरी जान, गम न कर दिन जुदाई के ये भी गुजर जाए। दूसरा गाना कैसे बिजली चमक गई। कैसे बिजली चमक गई हो कैसे मेरी झलक गई। फिर 1959 में आई फिल्म गेस्ट हाउस, इसमें एक गाना गाएं। कांच को आंच नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे। फिर 1959 में आई फिल्म माँ की आंसू, इसमें एक गाना गाएं। खबर के फरिश्तों से भी इंसान परेशान, खुद को जरा पहचान, खुद को जरा पहचान।
फिर 1960 में आई फिल्म बारात, इसमें 5 गाने गाए। मोहन मैं एक भटका राही, तुम पथ के उजियारे हो। अगले 2 गाने जो मन्ना डे जी के साथ है, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। 3 गाना ओ बाबू तेल मालिश, बाबू तेल मालिश करा लो दो बार। अगले 2 गाने जो गीता जी के साथ है, जालिम कहना माल चक्की चलना खा कर पान, कतल हम हो गए नैना वाले तेरा क्या गया। 5 गाना अजी अब ये कहना मान, अजी अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। और ये है रफी साहब के बोल, छोड़ो मेरा रसका कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरी। फिर 1962 में आई फिल्म गर्ल्स हॉस्टल, इसमें 1 गाना गाए आशा जी के साथ, ये हसीन रात ये बहार ये तमाशा। और ये है रफी साहब के बोल, बादलों से दूर और भी है एक जहां। फिर 1962 में आई फिल्म बर्मा रोड, इसमें 1 गाना गाए लता जी के साथ, आंख झुकी थी चाल रुकी थी जम है कहां मतवाला। और ये है रफी साहब के बोल, कभी ये दिन आए ना आए सोच रहा दिलवाला। फिर 1963 में आई फिल्म काबिल खान, इसमें 1 गाना गाए, या हला या हबीबी मेरे दिल के करीबी न जाना दूर कहीं दिल से मेरी। फिर 1963 में आई फिल्म शिकारी, इसमें 2 गाने गाए, पहला गाना जो लता जी के साथ है, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे दिल क्यों मेरा तड़प रहा। 2 गाना चमन के फूल भी, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। फिर 1964 में आई फिल्म मैं सुहागन हूँ, इसमें 1 गाना गाए आशा जी के साथ, तू शोक कली मस्त पवन तू शम वफा मैं परवाना। फिर 1965 में आई फिल्म मैं हूँ अलादीन, इसमें 2 गाने गाए, पहला गाना जो आशा जी के साथ है, मैं तुझे से प्यार करता हूँ दिल को निसार करता हूँ। 2 गाना जो सुमन जी के साथ है, और ये है रफी साहब के बोल, बिक जाएगा उल्फत में सकरात ये दीवाना, वैरान खड़ी कर दी दीवार तेरे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।